नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। आपने बिहार में एक वीडियो वायरल होते हुए बहुत बार देखा होगा, जिसमें जब भी कहीं शादी और समारोह होता है तो कुछ लोग डिस्को पे डांस करने के साथ साथ अपने हथियार का भी प्रदर्शन करते हैं। वो हाथों में बंदूकें और तमंचे लेकर लहराते हुए हवा में फायरिंग करते हैं और इस दौरान किसी न किसी की आहत होने की घटना भी कई बार सामने आ चुकी है। हालांकि हर बार पुलिस मामले की जांच करती है और आरोपी का क्या होता है वो पता नहीं। लेकिन एक और खबर मुजफ्फरपुर से इसी सिलसिले में सामने आ रही है, जहां पे एक युवक डांस करते हुए डिस्को पे और हाथ में बंदूक को लहराते हुए दिख रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र से एक पार्टी के दौरान एक युवक का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि हथियार के साथ डांस करने वाला युवक और कोई नहीं बल्कि हाल में हुए कांटी थाना क्षेत्र में प्रेमिका के घर प्रेमी के बॉडी की चिता जलाने वाले मामले का नामजद आरोपी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच एएसपी सैयद इमरान मसूद कर रहे हैं और उन्होंने उस युवक के बारे में क्या कुछ बताया है और इस पूरे घटना पे वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा उनसे सुनते हैं। सोनवर्षा गांव में एक युवक की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लड़के के घर वालों ने और उसके कुछ दोस्तों ने आकर के जो लाश है वो लड़की के दरवाजे पे जलाई थी। जलाने के बाद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आई थी। उसके बाद वहाँ पे FIR होके 3 आदमी अरेस्ट होके गए थे। उसी में एक नाम सामने आ रहा है, उसका वीडियो भी आर्म्स के साथ वायरल हुआ है। उसी पे अब जांच चल रही है कि उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है लॉ एंड ऑर्डर समस्या बिगाड़ने में। सपोर्ट में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है, उसका आपराधिक इतिहास का भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं क्या आपराधिक इतिहास है। जैसे होगा वैसे आई कार्रवाई की जाएगी। सर, आर्म्स के साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी एक्ट लगेगा? हाँ, वो हर्ष फायरिंग का भी उसमें, जैसे हम आजकल देख रहे हैं उसमें आर्म्स के साथ हो रहा है और शादी का माहौल में के आसपास उसमें आर्म्स के साथ उसका फोटो है, वीडियो है, उसका इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। तो आपने सुना कि सैयद इमरान मसूद ASP क्या कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आर्म्स के साथ डांस करने वाला युवक पर कांटी में लड़की के दरवाजे पर लड़का का डेड बॉडी जलाने में शामिल था। पुलिस सभी मामले की जांच कर रही है, वीडियो की जांच पड़ताल भी की जा रही है। साथ ही अगर ये वीडियो सच निकला और आरोपी भी वही निकला तो आरोपी पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि वीडियो में दिख रहा युवक कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक घटना का आरोपी है। साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई आम इंसान भी ये करता है तो बिहार में ये इनलीगल है। आपको बता दें कि अक्सर बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है, जहां शादी समारोह में इन छोटे मोटे बचकाने हरकत के कारण वो समारोह शोक में तब्दील हो जाता है। अब देखना ये है कि इस पूरे घटना पर पुलिस प्रशासन क्या कुछ अपना रुख अपनाती है। आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।